हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरत आदि में आप सभी का स्वागत है। आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों, आज पहाड़ों में ऐसा मौसम बना है, मतलब धुंध सी लगी है, मतलब ठंड सी भी लग रही और थोड़ी थोड़ी गर्मी सी हो रही, ऐसा मौसम बना है दोस्तों। तो पहाड़ों में दोस्तों ऐसे ही होता है, यहाँ पर मतलब मौसम कहीं भी चेंज हो जाता है, कभी धूप आती है कभी चली जाती है दोस्तों। ऐसा होता है पहाड़ों में दोस्तों, मौसम का कोई पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। और दोस्तों देखिए, आज मेरे घर से दूर दूर का नज़ारा ऐसा दिखाई दे रहा। देखिए दोस्तों, गांव रहा सामने डोबर गांव, और इस गांव के ऊपर लगी है शायद से आग, धुआं से दिखाई दे रहा वहाँ। और देखिए दोस्तों, आज धुंध लगी है देखिए पहाड़ों में, तो दूर दूर का नज़ारा इतना शानदार नहीं दिखाई दे रहा। धूप तो लगी है दोस्तों, पर वो धूप कभी चली जा रही है और कभी आ रही है, ऐसा मौसम बना है पहाड़ों में आज के दिन पे। और दोस्तों देखिए कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा इस साइड, ये रहा कांडा खाल दोस्तों, इसी सड़क से गए थे हम परसों महावगढ़ दोस्तों। और दोस्तों अब मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 10, तो नाश्ता किया जाए दोस्तों अभी के टाइम पे। और दोस्तों ये रहा आज का नाश्ता मेरा सुबह के टाइम में, और देखिए ये रही रोटी और ये रहे काबली चने। तो दोस्तों काबली चने काफ़ी मस्त होते हैं खाने में, मुझे काफ़ी प्यारे लगते हैं दोस्तों ये खाने में, तो दोस्तों इनको खाता हूँ मैं। और ये रही चाय, सुबह के टाइम में चाय तो जरूरी है दोस्तों, चाय पी जाए इसके साथ में। और दोस्तों मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है यहाँ पे सुबह के टाइम में। और दोस्तों अब मैं जा रहा अपनी गौशाला की साइड, तो दोस्तों मैं पानी भरने के लिए जा रहा वहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सुबह के टाइम में आता है पानी बस 2-2.5 घंटे के लिए, मतलब सुबह के टाइम जितना भर लो उसके बाद नहीं मिलेगा, अगले दिन मिलेगा दोस्तों पानी बस। तो दोस्तों जाता हूँ वहाँ पे पानी भरता हूँ दोस्तों इस टाइम पे मैं अभी सुबह के टाइम में। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने गौशाला के सामने, और यह है रास्ता, यहाँ से नीचे चलता हूँ। और दोस्तों मुझे यहाँ पे दिख गया एक तिमूल का पेड़, देखिए इस पे कितने सारे दाने आ रखे, तो कोई पक भी चुके हैं दोस्तों, इस पे लाल लाल हो चुके हैं। और यहाँ पे नीचे भी गिर रखे हैं कुछ तिमूल, देखिए यहाँ पे दाने गिर रखे हैं नीचे लाल लाल। तो चलता हूँ नीचे, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसा होता है ये। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे दाने गिर रखे हैं यहाँ पे तिमूल के। तो दोस्तों एक को मैं जरा छीलता हूँ, कैसा है ये, पगोल है कि अगोल वाला? दोस्तों ये अगोल वाला तिमूल है, ये कोई काम का नहीं है दोस्तों, इसको खा के कोई फायदा नहीं होता। वो दूसरा वाला तिमूल होता है दोस्तों जिसको खाया जाता है, वो काफ़ी रसीलादार होता है खाने में। और देखिए इस पे लगे हैं, और दोस्तों इस तिमूल की सब्जी बनती है, अगर किसी को बनानी आए ना बड़ी मस्त होती है सच में यार खाने में, काफ़ी स्वादिष्ट। और देखिए इस पे भी लगे हैं कुछ, और ये वाला भी मुझे लग रहा अगोल ही है, ये वाला तिमूल का पेड़। और ये हमारा रहा खड़ी का पेड़, देखिए तो इसको गाय वगैरह खाती है, इसको खड़ी कहा जाता है पहाड़ी भाषा में। देखिए बहुत सारे पेड़ यहाँ पे खड़ी के। और दोस्तों अभी साइड की तरफ चलता हूँ गौशाला के सामने, तो वहाँ से बाल्टी वगैरह लाता हूँ पानी भरने के लिए नल के सामने। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पाइप हमने लगा रखा है यहाँ पे, तो मतलब जो लंगूर नहीं होता जिसको गढ़वाली भाषा में गोड़ी कहा जाता है, तो उसने तोड़ा था दोस्तों ये, तो ये नीचे झुक गया है यहाँ से देखिए किनारे से, तो हमने तब टेक दे रखा है इस पे लोहे के पाइप का। तो दोस्तों इसका डर भी है, तो हमने इस कारण से यहाँ पे ये पाइप लगा दिया कि ये नीचे नहीं आ पाए, तो बड़ा उत्पात मचा रखा है इन्होंने इस साइड हमारे साइड गुणी वगैरह ने, तो ये आदमी को भी मारने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से बाल्टी लेता हूँ दरवाजा खोलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भर रखे हैं और एक बाल्टी खाली है बस, तो इसको भर के लाता हूँ मैं नल से। और दोस्तों यहाँ पे हमने पहले ही पानी भी रखा है बाहर, तो मतलब जो गाय वगैरह होती है ना हमारी, तो वो पहले आ जाते हैं घर का भी तो हमें पता नहीं चलता, तो यहाँ पे वो पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो वो होते हैं ना पक्षी वगैरह चिड़िया वगैरह, तो वो भी पी लेते हैं इसमें पानी। वैसे भी गर्मी का सीजन चला दोस्तों, तो उन्हें प्यास उस लग जाती है, तो वो पी सकते हैं यहाँ पे पानी। तो दोस्तों चलता हूँ मैं साइड की तरह नल के सामने पानी भरने के लिए। और दोस्तों देखिए घास भी जमने लग गई है, क्योंकि अब मतलब जून जून आधे मतलब 15-20 तारीख के आसपास से तो बरसात लग जाती है, उसके बाद तो और हरियाली छा जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक छिपकली है यहाँ पे, तो ये धूप सेक रही होगी यहाँ पे, और उस साइड भाग गए डर के। तो दोस्तों इसमें हाथ लगाना बेकार होता है, क्योंकि काट भी सकती है, जहरीली होती है दोस्तों। देखिए कितनी बड़ी है ये, काफ़ी खतरनाक लग रही दिखने में। तो दोस्तों मैं साइड की तरफ चलता हूँ पानी भरने के लिए नल के सामने, और मुझे इस बाढ़ को लागना पड़ेगा, तो नल यहीं पे है सामने, तो नल के सामने जाऊंगा भरने के लिए पानी। और आ गया ये नल, भरता हूँ पानी। और दोस्तों इसमें पानी नहीं आ रहा, मेरी आफत हो गई,
तो मुझे लग रहा पानी पहले ही चला गया 2 घंटे से पहले, तो मुझे लग रहा लाइट चली गई होगी। क्या पता, लाइट भी चली जाती है ना यहाँ पे, लाइट का बड़ा पंगा है। अगर लाइट चली गई तो पानी भी चला गया समझो। तो दोस्तों चलता हूँ खाली खाली। और दोस्तों मैं घर जा ही रहा था और ये दोनों के दोनों आ चुके हैं जंगल से चर के। और दोस्तों इनको मैं गौशाला में ले जाता हूँ बांधने के लिए। और दोस्तों धूप बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, तो ये आज जल्दी आ गए 11:30 बजे के आसपास। और दिन शाम के टाइम में आते थे चर के, तो धूप लग रही होगी तो इस कारण से जल्दी आ गए। तो इन्हें ले जाता हूँ मैं गौशाला में, बांधता हूँ मैं गौशाला में इनको, इन दोनों को। चलो और ये दोनों के दोनों अब नीचे जा रहे हैं यहाँ से सीढ़ी से। चलो, और वो भाग गया, वो नीचे चला गया ना पूरा। कैसा भागा हूँ आपसे, तेज भाग गया हूँ। और इनको पानी वगैरह पिलाता हूँ यहाँ पे मैं गौशाला में अब। और इन दोनों को काफी प्यास लग चुकी होगी। और देखिए वहां पे वो चला गया पानी पीने के लिए, तो उन्हीं के लिए रखा है हमने वो पानी। तो ये पी रहा है पानी कि नहीं पी रहा, पी रहा है पानी। और दोस्तों ये इसके नीचे हमने तख्ते रखे हैं यहाँ पे, ये दिखाता हूँ आपको। फिर तिरपाल रहा और इसके नीचे रखे हैं हमने, देखिए ये सामान। तो मतलब बारिश वारिश होती है जब, मतलब इसके नीचे लकड़ी वगैरह है तो मतलब सड़ नहीं जाए, इस कारण से हमने ऊपर रखा है इसका तिरपाल वगैरह। तो ये भी पानी पीता हुआ, तो दरवाज़ा खोलता हूँ और दोनों को बांधता हूँ अंदर। और देखिए यहाँ पे मुर्गे वगैरह भी हैं हमारे, तो यहाँ पे आराम कर रही है। मेरे को मेरे पापा जी पहले चरा चुके हैं, मतलब 1-1.5 घंटे पहले। इन दोनों को बांधता हूँ मैं। और हमने यहाँ पे गौशाला के अंदर पहले घास रखा है स्टॉक करके, क्योंकि गर्मी का सीजन है और लकड़ियाँ वगैरह भी रखी है अंदर। और गर्मी का सीजन है वैसे भी, मतलब घास की कमी पड़ जाती है गर्मी के टाइम बहुत बार, क्योंकि आग लग जाती है जंगलों में। तो इन दोनों को बांधता हूँ मैं अब अंदर यहाँ पे। और दोस्तों इन दोनों को बांध चुका हूँ मैं इन दोनों के स्थान में। देखिए यहाँ पे इसको जो ये निरा, इसको पहाड़ी भाषा में जूड़ कहा जाता है दोस्तों। तो ये रस्सी वगैरह से बना रहता है ये जूड़। और दोस्तों जो मुर्गे वगैरह थे बाहर भाग गए, तो उनको अंदर लाना पड़ेगा मुझे। और दोस्तों इनको भी अंदर कर दिया मैंने अब। अब इनको शाम के टाइम में खोलेंगे इनको, तो दरवाजा बंद करता हूँ मैं। और दोस्तों अब मैं अपने घर में पहुँच चुका हूँ, अपने गौशाला की साइड से आ चुका हूँ। और देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है हमारा दिन का, इसमें चूल्हे में इसमें दाल वगैरह रखी होगी परिसर में। और देखिए इस साइड की तरफ देखिए, यहाँ पे ये छिपकली आनंद करती हुई यहाँ पे गोबर रही गाय की, और इसमें धूप सेक रही है वो। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे से ऊपर चलता हूँ अपने कमरे में। और दोस्तों मुझे एक काम याद आ गया, तो दोस्तों मैंने अपने कमरे पर करनी है इस्त्री, तो जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेस कहा जाता है शायद। और ये रहे दोस्तों मेरे कपड़े, तो दोस्तों ये कपड़े तब के हैं जब से मैं देहरादून से नहीं आया था, त्याग इसको आ गया था मैं घर में। तो ये कपड़े मैंने कल ही धोए 29 को, तो दोस्तों मेरा मन ही नहीं करा इनको धोने का, तो आज जरा इन पर इस्त्री की जाए। और ये बैग भी मैंने कल ही धोया था दोस्तों, तो इस बैग में भी काफ़ी मैल लग गया था, इसको भी कल मैंने चमका दिया। तो दोस्तों ये साइड रही इस्त्री, ये रही प्रेस। और दोस्तों आप देख सकते हैं आज यहाँ का मार्केट का नज़ारा। देखिए यहाँ पर दुकान वकान बंद है, सुनसान पड़ा है मार्केट। देखिए यहाँ पे शटर वटर बंद है यहाँ पे, और कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है अभी के टाइम में, तो दिन के बज रहे हैं 2। दोस्तों आज मैं अपनी इस छत में चढ़ता हूँ दोस्तों, जब से हमारा ये मकान बना होगा ना तब से इस छत में दोस्तों मैं चढ़ा नहीं। देखते हैं यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है दूर दूर का। और नीचे से सीढ़ी लानी पड़ेगी दोस्तों मुझे, सीढ़ी लाता हूँ मैं अभी तब चढ़ता हूँ। और दोस्तों ये रही सीढ़ी, तो सीढ़ी को ऊपर ले जाऊँगा मैं, तो इसको कुलड़ी कहा जाता है गढ़वाल भाषा में। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, और देखिए यहाँ पर लेटरिन का पाइप भी है, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ सीढ़ी को मैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे सीढ़ी लगाई, अब मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ इस छत में। तो दोस्तों देखिए हमारी छत ये रही, इसमें डैम प्रूफ लगा रखा हमने। तो दोस्तों जब हमने मकान बनाया था 2 साल पहले, तो इसमें सीलन आ गई थी, पानी आने लगा था नीचे, तो हमने इस कारण से डैम प्रूफ लगा दिया दोस्तों, इसमें अब पानी नहीं आ रहा। देखिए छत ऐसी रही, मैं इसमें चढ़ रखा देखिए। और दोस्तों यहाँ से मस्त वाला व्यू दिख रहा नीचे का, देखिए मकान दिख जाएंगे आपको देवी खेत के, क्या शानदार लग रहा है यहाँ नीचे। देखिए शानदार व्यू नहीं है। और दोस्तों ये साइड देखिए, यहाँ पे स्कूल रही है देवी खेत की, इंटर कॉलेज रहा ये नीचे, और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल रही है। यहाँ पे देवदार का पेड़ दिख रहा है बड़ा सा, 1 से 5 तक है स्कूल यहाँ पे। और इस साइड तो क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा, पहाड़ी मस्त मस्त।
दोस्तों धुंध लगी, धुंध के कारण इतना शानदार व्यू दिखाई दे रहा। अगर साफ होता ना मौसम तो मज़ा आ जाता दोस्तों सच में यार। और ये सामने रहा डोवर गांव, और इस साइड देखिए कनकड़ खार रहा, और इस साइड भी धुंध लगी है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है उसी के आसपास आगे कनकड़ खार से, तो उधर धुंध लगी है बर्फ़ पड़ी रहती है दोस्तों उस साइड, धुंध के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा। मस्त लगता है जब मौसम साफ रहता है, बर्फ़ दिखाई देती है दोस्तों यहाँ पे से। दोस्तों इस हद में लगभग 2 साल बाद चढ़ रहा हूँ मैं जब से बना है ना, पर काफ़ी आनंद आ रहा दोस्तों, हवा चल रही है मस्त वाली यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ से दिखाता हूँ, ये रही हमारे गौशाला। तो मतलब यहाँ से मतलब कम ही है, मतलब मेरे घर से मतलब 2-3 मिनट का रास्ता है। ये रही गौशाला सामने आगे, ये सामने जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ मकान दिख जाएंगे उसी के आसपास है। और इस साइड भी देखिए क्या शानदार व्यू यार, धुंध ने जरा नाश मार रखा है उसके कारण इतना मस्त नहीं दिखाई दे रहा। हवा चल रही यहाँ पे कूल वाली मस्त वाली, और देवी खेत ऐसा रहा देखिए, इतने सारे मकान है यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे तक फैल रखा है देवी खेत, वहाँ जहाँ पे कच्चा मकान दिख रहा और उसी के नीचे भी है देवी खेत, मतलब दिखाई नहीं दे रहा मकान और पर नीचे भी फैल रखा देवी खेत काफ़ी। तो यहाँ पे लगभग 70-80 मकान होंगे लगभग, और इस साइड भी है कुछ मकान। और दोस्तों अब मैं नीचे उतरता हूँ यहाँ पे से, काफ़ी मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ पे चढ़ने के बाद। तो दोस्तों नीचे आराम से उतरना पड़ेगा, ऊपर तो बड़ी मुश्किल से चढ़ा मैं। और देखिए दोस्तों हमने इस पर खबरेल भी लगा रखी है, कुछ बच चुके थे दोस्तों उसके बाद तो हमने नीचे रखे हैं अभी तक वो। नीचे उतरता हूँ दोस्तों आराम से, और ये डिश रहा ये ख़राब हो चुका है, इस पर जंक लग चुका है, और यहाँ पे जो नया वाला लगा रखा तो जंक वाला कोई काम का नहीं है। और दोस्तों अब मैं घूमने के लिए जा रहा शाम के टाइम में, तो इधर आ चुका हूँ मैं सड़क की तरफ। तो मैं और यहाँ पे रोहित भाई है, दोनों के दोनों हम जा रहे घूमने के लिए। तो दोस्तों चलता हूँ मैं अभी घूमने के लिए। और दोस्तों इस पेड़ पे देखिए क्या मस्त मस्त फूल लगे हैं, काफ़ी मस्त लग रहे देखने में। तो दोस्तों इसको कुर्री कहा जाता है, और दिखाता हूँ ये फूल कैसे रहते हैं दोस्तों, तोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे से। तो देखिए ऐसे रहते हैं देखिए, मतलब ऑरेंज कलर के हैं दिखने में, और इस पे दाने भी रहते हैं दोस्तों, ये हरे रंग के हैं ये वाले दाने, और एक काले वाले होते हैं कुछ। तो दोस्तों इनको खाया जाता है काले वालों को, तो मीठे होते हैं दोस्तों ये खाने में काफ़ी। तो ये पहाड़ों में काफ़ी पाया जाता है दोस्तों, ये जब मैं देहरादून गया था ना वहाँ भी देखा मैंने इसका पेड़, तो ये मतलब हर जगह पाया जाता है ये, तो फुला रखे आजकल इस पर। और दोस्तों चलता, और दोस्तों हम दोनों के दोनों घूमने के लिए जा रहे थे दोस्तों, अब बारिश आ चुकी है दोस्तों, तो हमें आगे तक नहीं जाना चाहिए दोस्तों, अब तेज़ हो गई बारिश। तो दोस्तों यहाँ पे एक यात्री साइड है, तो दोस्तों उसके नीचे चले जाते हैं दोस्तों, काफ़ी तेज़ हो गई बारिश, तो चलते हैं उसके नीचे। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सही किया हम दोनों ने कि हम दोनों के दोनों घूमने के लिए नहीं गए। देखिए काफ़ी तेज़ बारिश आ रही, तो हम दोनों के दोनों यहाँ पर रुके हैं यात्री साइड के नीचे। तो देखिए ये कैसे बैठ रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सामान जमा है पहले से हो रखा, तो हम दोनों के दोनों बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रखे इसके नीचे। और दोस्तों ये रास्ता वो रास्ता रहा जहाँ हम शादी में नहीं गए थे ढांडरी गांव, तो ये रास्ता है दोस्तों। और दोस्तों देखिए आसमान भी, हाँ किड़िकताल, इसको किड़िकताल कहा जाता है, बिजली कहा जाता है ना उसे, तो वो भी आवाज़ कर रहा। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है दोस्तों, तो कब तक बंद होती है समझ नहीं आ रहा, उस साइड जाना तब कैंसिल लग रहा मुझे, वो और तेज़ हो गई अब तो। पर इस बारिश का एक फायदा तो है दोस्तों, हरियाली छा जाएगी, घास फूस काफी हो जाएगा। और ये सड़क, इस सड़क की तरफ जाना था हमने आगे आगे घूमने के लिए, पर अब बारिश आ चुकी तो जाना ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों देखिए ऊपर से पानी आ चुका है, देखिए बहते बहते और नीचे आ रहा है पानी, तो बारिश काफी तेज हो गई। और देखिए यहाँ पे गाय हुई भी चर के आ गई, ये छोड़ रखे होंगे ना किसी ने सुबह के टाइम पे, तो आ गई चर के। और दोस्तों अब बारिश थोड़ी थोड़ी सी बंद हो चुकी है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं घर के लिए निकलता हूँ यहाँ पे से। तो दोस्तों अब घूमने के लिए जाना ठीक नहीं रहेगा, कहीं बारिश तेज़ नहीं हो जाए फिर से, तो अब घर के लिए निकलता हूँ दोस्तों। 6 बज चुके हैं शाम के,
तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों मैं आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखे दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा। और दोस्तों बाय बाय, अब किसी अन्य ब्लॉग में मिलता हूँ।